इस बार यूपीपीसीएल में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप लोगों के सामने में एक डाटा पेश करूंगा, एक्सपेक्टेड डाटा है कि कितना नंबर लाना होगा जिससे मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोग के लिए, जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में इसमें शेयर करूंगा। तो जितने भी छात्र नए देख रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड कलर से जो लिख कर आ रहा है, अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि मैं बता दूं कि यूपीपीसीएल में 608 पोस्ट पर TG2 के लिए बहाली आई थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं और सभी उसका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं पहले इसका सिलेबस बता देता हूँ क्या इसका पूछा जाता है। देखिए, आपका टोटल पेपर आपका 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, आपका 180 मिनट का, और आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 250, और जिसमें आपका 50 नंबर कंप्यूटर रहेगा, और 200 आपका 200 में जिसमें आपका 150 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, और सभी में आपका जो निगेटिव मार्किंग 0.25 है, और एक सही उत्तर के लिए आपका 1 अंक दिया जाएगा, और जो मेरिट बनेगा आपको 200 पेपर पे ही बनेगा, 150 टेक्निकल और 50 नंबर नॉन टेक्निकल। वहाँ पे पहला चीज़ तो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको मिनिमम आपका 20 मार्क्स लाना, स्कोर करना है, तभी आपका जो सेकेंड पार्ट का जो पेपर होगा आपका 150 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल, तब वो आपका पेपर चेक होगा। तो 20 नंबर तो कंप्यूटर में लाना ही लाना है पास होने के लिए, आप उससे ज़्यादा लाइएगा 30 45 40 उससे कोई मतलब नहीं है, आपने क्वालिफाइंग स्कोर कर लिया, आपका कंप्यूटर का काम खत्म हो जाएगा, और मेरिट जो बनेगा आपका 200 पे बनेगा। तो पिछले बार का कट ऑफ आपका पता है कि जनरल का 130 का समथिंग गया था, और OBC का 105, और SC ST वालों के लिए 70 गया था। तो देखिए मैं बता दूँ, इस वाले पेपर में जब आपका फाइनल पेपर होगा तो जहाँ पे इजी पेपर होता है, जैसा कि चूंकि जो ये मार्क्स जो इस बार जो कट ऑफ पिछले बार का बनाया था वो नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि अलग अलग डेट में एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, कहीं पे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं पे हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इजी वाले क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कंडीशन नंबर वन, जहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे तो आपको कंप्यूटर में तो परफॉर्मेंस करना ही है, 20 नंबर तो लाना ही है कैसे भी करके, और जो 200 का पेपर होगा वहाँ पे आपको मिनिमम 110 से 120 नंबर आपको परफॉर्म करना होगा, जहाँ पे आपका इजी पेपर आता है ये, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होता है, अलग अलग डेज में होता है, तो आपने मिनिमम 110 120 स्कोर कीजिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है। वहीं पर मैं बात कर लूँ हार्ड पेपर, जहाँ पे क्वेश्चन टेक्निकल और आपका नॉन टेक का पेपर बहुत हार्ड आ गया, तो वहाँ पे किस तरह परफॉर्मेंस करना है, तो वहाँ पे देखिए आपको आपको टोटल 200 का पेपर रहेगा, तो 200 में आपको मान के चलिए मैं कंप्यूटर को छोड़ के बात कर रहा हूँ, तो आपने अगर 100 और 110 के बीच में आपने परफॉर्मेंस कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका मार्क्स बढ़ता ही है। और कंप्यूटर वाले में बता दूं, कंप्यूटर वाले में भी बहुत सारा पिछले बार नॉर्मलाइजेशन में किसी का 17 नंबर आया था, 18 नंबर आया था, तो उसको पास कर दिया गया था, नॉर्मलाइजेशन मार्क करके 20 और 25 मार्क कर दिया गया था, जिससे वो कैंडिडेट पास हो गए थे। तो टेक्निकल में मान के चलिए कंप्यूटर वाले मैंने छोड़ करके मैंने बताया, जहाँ पे इजी क्वेश्चन आ रहा है आपका 200 में, जिसमें 150 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल, तो 200 वाले में आपको कम से कम 110 120 जहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहीं पे जहाँ पे हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है 200 में आप कम से कम 100-110 के बीच में आपने परफॉर्मेंस कर लिया अच्छा से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। तो ये मेरा बात ध्यान रखिएगा, मैंने सारा आप लोग को सामने में क्लियर कर दिया हूँ। कंप्यूटर के बारे में बता दूँ तो कंप्यूटर में तो आपको पास करना ही करना है, उसमें भी आपको नॉर्मलाइज होता है तो उसका तो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने बताया कि कितना आपको मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि मेरिट जो आपका बनेगा वो आपका 200 के मार्क्स के ऊपर ही बनेगा, आपका कंप्यूटर वाले पे मेरिट नहीं बनेगा, बस कंप्यूटर के बस क्वालिफाइंग करना रहता है। तो ये था आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो जितने भी छात्र नए देख रहे होंगे रेड कलर से सब्सक्राइब लिख कर आप जैसे वो प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए, लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के दोस्तों धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।